दिवाली 2017 में आमिर खान सर मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्म आती है दोस्तों, सीक्रेट सुपरस्टार। ज़ायरा वसीम की ये फिल्म थी दोस्तों, इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट वो बनी थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अद्वैत चंदन ने। अब दोस्तों ये जो फिल्म है ना, ये चाइना में रिलीज हो चुकी है और फर्स्ट डे का कलेक्शन मुझे पता चल चुका है। फर्स्ट डे इसने 4.2 मिलियन डॉलर्स कमाए, यानी कि इंडिया की अगर मैं रकम की बात करूं, हिंदुस्तानी करेंसी की बात करूं, तो 35 करोड़ का ह्यूज बिजनेस किया है इसने चाइना में। और अगर दंगल की बात करूं, जो कि 2017 में चाइना में रिलीज हुई थी, तो दंगल ने 2.1 मिलियन डॉलर कमाए थे चाइना में। वाओ, इसका मतलब दोस्तों ये अनडाउटेडली सामने है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है वो एक सीक्रेट सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक रॉक स्टार है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। आमिर खान सर, आपकी इस तरीके की ये जो फिल्में होती हैं, ये हम लोगों को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। हैट्स ऑफ सर, इसी तरीके की आप फिल्में बनाते रहें। अब यहां पर है ना दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको ज्वाइन करके बताना चाहता हूं कि सलमान खान सर की बजरंगी भाईजान लिटिल लोलिता मंकी गॉड अंकल भी रिलीज होने वाली है 2 मार्च 2018 को चाइना में। तो दोस्तों सीक्रेट सुपरस्टार जो कि कम बजट की फिल्म थी और उसे इतना अच्छा ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो सोचिए भाईजान की फिल्म को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नीचे का कमेंट सेक्शन जो है आप लोगों का है, इस्तेमाल कीजिए, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि सीक्रेट सुपरस्टार जब एक दिन में इतना कमा सकती है तो बजरंगी भाईजान कितना कमा सकती है। इस्तेमाल कीजिए कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल। यार फिल्मी यार आपका दोस्त है ना राहुल भोज, और क्या।